गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी। अब आप तक देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। यह सरकार की शिक्षा व्यवस्था है। बच्चे सोकर पढ़ रहे हैं, कूद कर पढ़ें या नाम लिखवाकर गायब रहें। यहाँ अध्यापक को सिर्फ अपने वेतन यानी हर महीने मिलने वाली पगार से मतलब है। शायद सरकार ने बच्चों को शिक्षित करने की नई व्यवस्था लागू कर दिया है, इसीलिए सबके सामने बच्चे सो रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यह नज़ारा महाराजगंज जिले के सिसवा ब्लॉक के ग्राम बैजनाथपुर टोला पटखौली के प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ प्रधानाध्यापक, दो शिक्षा मित्र, दो रसोईया तैनात हैं। इसके साथ एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी यहाँ संचालन होता है, जिसमें कार्यकर्त्री व सहायिका तैनात हैं। यानी इस विद्यालय पर कुल 7 कर्मचारी तैनात हैं और स्कूल में 77 बच्चों का नामांकन है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या अभी अलग है। इस स्कूल में बड़े बड़े तमाम कमरे बनाए गए हैं, शौचालय भी है, लेकिन आप भी देखें इसकी हकीकत। स्कूल खुलने के समय यानी ठीक 8 बजे हमारी टीम यहां पहुंची, लेकिन स्कूल में ताला लटक रहा था। कुछ देर बाद यानी 8:15 पर एक रसोईया पहुंची और प्रधानाध्यापक कक्ष के साथ ही स्कूल के कमरों का ताला खोलकर सफाई करने लगी। कुछ देर बाद दूसरी रसोईया भी पहुंची, फिर दोनों बैठकर अध्यापक और बच्चों का इंतजार करने लगे। 8:45 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहुंची, यह भी बैठकर बच्चों और अध्यापकों का इंतजार करने लगी। कुछ ही समय बाद यानी 9 बजे तक कुल 9 बच्चे इस स्कूल में पहुंच चुके थे। प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र व सहायिका का कहीं पता नहीं था। कुछ देर बाद यानी 9:15 पर एक शिक्षा मित्र पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए। सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बैठी हैं, एक तो दूसरी तरफ ये शिक्षा मित्र महोदय बैठे हुए हैं। सामने बच्चे सोकर, कूदकर, खेलकर पढ़ाई करने में मस्त हैं। आप भी इस पढ़ाई का नज़ारा देखिए। 9:30 पर यहाँ कुल 11 बच्चे आ चुके थे, यानी 77 नामांकन व आंगनबाड़ी के कुल बच्चों में मात्र 11 बच्चे मौजूद थे। अब सवाल यह उठता है कि ये बच्चे 77 नामांकित वालों में से थे तो आंगनबाड़ी के बच्चे कहाँ थे? अगर इसमें 2 से 3 बच्चे आंगनबाड़ी के थे तो बाकी नामांकन वो आंगनबाड़ी के बच्चे कहाँ थे, जो कागजी खानापूर्ति में ज्यादा संख्या में दिखाया जाता है। चलिए हम आपको स्कूल के अंदर के कमरों की हालत भी दिखा दें। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये अंदर कमरे की है। कहीं कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कहीं मेज पड़े हुए हैं, कहीं चटाई, यानी पूरी तरह दुर्व्यवस्था का शिकार है यह स्कूल। सामने यह भी एक नज़ारा देख लीजिए, प्रधानाचार्य कक्ष के ठीक बगल में जंगले पर कक्षा 1 लिखा हुआ है। समझ में नहीं आता क्या इस जंगले के अंदर कक्षा 1 की पढ़ाई होती है? यानी पूरी तरह से विद्यालय दुर्व्यवस्था का शिकार है। अध्यापक गायब, बच्चे गायब, व्यवस्था पूरी तरह खराब। क्या अधिकारी यहां दौड़ा नहीं करते? अब हम आपको यहां की शौचालय को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार स्वच्छता अभियान पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रही है। यहां 2 शौचालय है, लेकिन हालत देखिए, शौचालय की यह हालत देखकर नहीं लगता कि यहां सरकार के इस अभियान का सही ढंग से पालन किया गया हो। यहां पूरी तरह स्वच्छता अभियान का मजाक बना डाला गया है। हालत ऐसी है शौचालय की तो आप समझ गए होंगे बच्चे कहां जाएंगे शौच के लिए। लोगों का यह भी आरोप है कि यहां तैनात प्रधानाध्यापक व शिक्षा मित्र अक्सर गायब रहते हैं, क्योंकि 9:45 तक तो न तो प्रधानाध्यापक ही पहुंचे थे और न ही एक शिक्षा मित्र और एक सहायिका। इस मामले में हमने खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह से उनके मोबाइल पर बात करने का लगातार प्रयास किया,
लेकिन घंटी बजती रही, मोबाइल नहीं उठा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा।